गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सुबह का टाइम है और मेरे घर में तैयारियां हो चुकी। आज एकादशी है तो आज मम्मी ने बनाई है सुबह सुबह, ये आटा मार के रखा, बनी नहीं है अभी क्योंकि पहले सब नहा के पूजा करेंगे फिर उसके बाद कुछ होगा। ये है बथुए का आटा, मम्मी ने मार के रखा है, अभी बनेगी पूड़ी। और यहाँ बनी है सोया मेथी जो कि बिना प्याज लहसुन से आज के दिन नहीं बनती, प्याज लहसुन वाला कुछ। तो बस मैंने तो नहा लिया है, भाई ने भी नहा लिया है, बाकी कुछ लोग हैं वो नहा ले फिर ब्रेकफास्ट करेंगे। यार बहुत ज़ोर की भूख लग रही है और अभी तक हम लोग का ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। आज पहला रूल था पहले नहाओ, सब लोग पूजा करो और फिर और हाँ मेरी पूजा हो चुकी है तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। टीका टीका नहीं लगाया, मैंने लगाया टीका पर मेरी पूजा हो चुकी है। और यहाँ भैया लग गए हैं एकादशी की पूजा की तैयारियों में। एकादशी के दिन ऐसे गन्ने को लेके आते हैं और गन्ने का जो ऊपरी सिरा होता है उसे तोड़ के ऐसे बांधते हैं भैया। हमेशा से पूजा भैया ही करते हैं तो आज भी बस भैया कर रहे हैं और एक तरफ मैं कर ले रही हूँ थोड़ी सी तैयारियाँ। मैंने एक प्लेट में लगा ली है गाजर, शकरकंद, फूल, अमरूद और ये सिंघाड़े, और ये सीज़न के फल होते हैं इस सीज़न के। तो एकादशी में भगवान विष्णु जो होते हैं वो क्षीर सागर से नींद से उठ के आते हैं तो उन्हें ही ये सब भोग के रूप में लगाया जाता है, गन्ना, शकरकंद और ये गाजर और जितने भी चीज़ें मैंने आपको दिखाई है। और यहाँ भैया ने पानी को ज़मीन पे आच्छन कर दिया है और वहीं पे ये साइड पे गन्ना की जो ऊपरी शीरा होता है ग्रीन वाला उसे रखा है और अब इसमें वो सारी चीज़ें रख देंगे जो मैं लेके आई थी। अब हम लोग करने वाले हैं चाय और ये सीज़न की पहली बार बनी है बथुआ की पूड़ी, ये खाएंगे। और यार ये मम्मी बहुत यमी बनाती हैं और चाय पियेंगे। और आज चिल्ड्रन डे पे हम लोग को मिली है ये चॉकलेट भैया और मम्मी की तरफ से और इधर भी देखो मिल रही है। तो बस चाय वाय पी ले फिर आगे का, मेरे को भी दो मिली है, याली भैया ने दी याली मम्मी ने दी, फिर आगे का देखो क्या प्लान होता है आज। वैसे मम्मी बोल तो रही है दो तीन जगह आज चलने के लिए, देखो क्या होता है। तो चलिए चाय नाश्ता कर ले फिर मैं सुबह के बाद सीधे आपसे शाम को मिल रही हूँ। क्यों? क्योंकि हम लोग ने खाना ना खाने के बाद लगा ली थी मूवी सूर्यवंशी जो कि मुझे ठीक ठाक लगी और उसके बाद सारे लोग सो गए थे आराम से रजाई ओढ़ के और अभी उठी हूँ और भैया हम लोग को दे रहे हैं ट्रीट। वो बोल रहे हैं चलो अच्छे से रेडी हो लो और अच्छे से इन द सेंस कि कुछ वूलन पहन लो। तो मैं और मेरी सिस्टर ने पहन लिया है, अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं भैया क्या ट्रीट देते हैं चिल्ड्रंस डे के लिए क्योंकि भैया से तो हम लोग छोटे ही हैं तो वो आज हम लोग को चिल्ड्रन डे की ट्रीट दे रहे हैं। और बाहर से आ रही है आवाज़ तो मैं चलती हूँ बाहर और आप लोग भी चलिए ट्रीट लेने आज। तो आज मैंने पहने अपने ये न्यू वाले स्निकर, मैं इसे एक बार और पहन चुकी हूँ और ब्लैक कलर की जींस है मेरी जो कि पहले की ही है और मैंने पहनी है रेड कलर की हुडी। तो बस मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ और हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं बाहर के लिए और देखिए कितना ज़्यादा अंधेरा हो रहा है। शाम को 6 बज रहे हैं पर अंधेरा हो जा रहा है और ये है काना गैलेक्सी जो कि पूरा लाइटों से सजा था और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और ये है वो जगह जहाँ से मेरे यहाँ पे स्वीट आती है आगरा वाला, ये गुमटी पे ही है और हम लोग आ गए हैं गुमटी मार्केट की तरफ और यहाँ पे ही भैया हम लोग को ट्रीट देंगे। यहाँ बहुत सारे स्ट्रीट फूड हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हैं और बहुत ही पुराने भी हैं तो भैया हम लोग को यहीं लेके आए हैं। पर मुझे अभी सच में नहीं पता है कि हम लोग स्ट्रीट फूड में क्या खाएंगे, ये तो अब नॉलेज हो गया है कि गुमटी आए तो कुछ ना कुछ चटपटा स्ट्रीट फूड ही खाने वाले हैं, लेकिन अभी मुझे ये नहीं पता कि भैया हम लोग को खिलाएंगे क्या। और बस हम लोग निकल रहे हैं, देखो शाम को 6 बज रहे हैं, मेरे कैंपस में कितना अंधेरा हो गया था पर मार्केट में
बहुत ज़्यादा चहल पहल थी और बस मैं वूलन्स देखते हुए जा रही हूँ क्योंकि मुझे वूलन्स अभी परचेज भी करने हैं अपने लिए। तो मैं सोच रही थी कि ऐसे चलते चलते देखूँ कि कहाँ क्या अच्छा मिल रहा था कि मम्मी को आके ये लिया जा सके। तो बस मैं जा रही हूँ, तो चलिए मैं आपको शॉप पे जाके मिलती हूँ। अब कहाँ ले जा रहे भैया पार्टी कराने? पता नहीं भैया, अभी भैया से बात मत करो, हम लोग फ्री रहे। कहाँ जा रहे हैं? पहुंच गए हैं गुमटे नंबर 5 के रूबरू फास्ट फूड सेंटर में और यहाँ पे हम लोग आए हैं कुछ खाने, शायद मोमोज, क्योंकि हम लोग को यहाँ के मोमोज बहुत पसंद है तो मे भी वही खाएंगे। और भैया वो सामने से आ रहे हैं। हम लोग इधर हैं, कहाँ जा रहे हो भैया? प्रॉपर COVID-19 का रूल फॉलो करते हैं। अंदर तो नहीं जाएंगे हम लोग ना? और यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी हैं, यहाँ पे मोमोज की बहुत सारी वैरायटी हैं और यहाँ पे तंदूरी भी कुछ बन रहा है आई थिंक, नान वगैरह। और जैसे कि हम लोग आए हैं, इस पूरी लाइन में ही फास्ट फूड बिकता है और काफ़ी फेमस भी है और काफ़ी भीड़ भी लगती है हर एक फास्ट फूड स्टॉल पे। और हम लोग बस यहाँ पे खड़े हैं और मैं अपनी सिस्टर को दिखा रही हूँ कि वो देखो उधर वहाँ पे इतनी भीड़ है, वहाँ पे क्या है। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे मोमोज़ जो कि फ्राई मोमोज़ है और हमको बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे है मंचूरियन जो कि हम लोगों ने आज यहाँ फर्स्ट टाइम ट्राई की, भाई ने खाई थी, वो बोल रहे थे अच्छी है, तो वाकई अच्छी भी थी, हम लोगों ने खाई फिर काफ़ी टेस्टी थी ये, लेकिन बहुत ज़्यादा फीलिंग था और दिन में खाना खा चुके थे तो ऐसा कुछ खाने का मन नहीं था और ये काफ़ी फीलिंग थी। और मेरे तो सबसे ज़्यादा फेवरेट ही मोमोज थे। और भाई ने ऑर्डर किया था पाव भाजी और ये मंचूरियन। तो बस हम लोग की पार्टी हो रही है, चलिए आप लोग भी आ जाइए फटाफट खाने के लिए। ने यहाँ पे पार्टी कर ली है और भैया यहीं पे कहीं और ले जा रहे हैं किसी और जगह, तो चलो चलते हैं। चले रही हो? छोटा नहीं है लेकिन थोड़ा बड़ा, लम्बे से इसका मुंह बड़ा लग रहा। अच्छा तो छोटा देख के ले लो। और ये देखो ये गुल्लक है। अंकल ये गुल्लक कितने की दिए? 10 के लोग है। हाँ हम लोगों ने खाई है बहुत सारी चीजें जो कि आपने देखी है व्लॉग। कपल लगा जा रही क्या? नहीं।
टोपा लगा दिया, उसने नीचे कर लिया टोपा। नहीं मैं टोपा नहीं लगाई थी, इसकी दूसरी। अच्छा, और भैया यहाँ ले रहे हैं कुछ सामान, ये चक्की है यहाँ पे, तो शायद बाजरे वगैरह का आटा वाटा ले रहे हैं क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं, तो अब बाजरा रागी ये सब खाने में अच्छा लगेगा। तो बस मम्मी ने इनसे मंगाया है थोड़ा बहुत आटा, जितना भी लेंगे। फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे घर के लिए, पर उससे पहले आपको एक कानपुर की बहुत फेमस जगह दिखाएंगे। कितना खूबसूरत लग रहा है, पूरे में लाइट लगी हुई है। और हम लोग गुरु गोविंद सिंह द्वार से पहुंच गए हैं मोती झील। और गाइस ये देखिए रात के समय कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है ये। और मोती झील में बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ है। कानपुर का राजीव वाटिका, जो कि मोस्टली कानपुर वाले तो सभी आ चुके होंगे। और ये है माय कानपुर, आई लव कानपुर। और यहाँ झूले लगे जो कि हम लोग नहीं झूल सकते। ये सारे आइसक्रीम वाले लगाए हुए हैं जो हम लोग नहीं खा सकते क्योंकि भैया साथ है। और ये सारे चाट वाट वाले जो कि नहीं खाना, अभी खा के आए हैं। और हम लोग जो ढूंढ रहे हैं वो दिखा नहीं भाई जी। भाई जी तुमने तो मौज करा दी। ओ अब क्या भैया, और कोई ऐसी बनी वैसी ये हो रही शादी जहाँ हम लोग नहीं जा सकते, कार्ड नहीं आया। बोलो दीदी आइसक्रीम है। और ये है अशोक स्तंभ, जाना है वहाँ पर। हम लोग यहाँ से करेंगे राउंड। हाँ वहाँ दिखाया था सॉफ्टी, वो भी अच्छी। ओ ओ अंकल जी करेंगे। और भैया को बहुत मनाने के बाद हम लोग आ गए उनको लेके आइसक्रीम पार्लर, क्योंकि यार मेरा आइसक्रीम खाने का मन हो रहा था। ऐसी ठंडक में पता आइसक्रीम खाने का मज़ा ही अलग होता है। तो मैं यहाँ पे सॉफ्टी ले रही हूँ, और प्लान था 3 आइसक्रीम लेने का, पर नैन्सी को नहीं मन था, उसको ज़्यादा लग रहा था कि सर्द लग रही है तो उसने मना कर दिया है। भैया बाहर खड़े हैं और नैन्सी को मैंने बुलाया है कि वो चूज़ कर ले, शायद उसको देख के आइसक्रीम खाने का मन हो जाए, पर उसने नहीं लिया। और यहाँ मैंने ले ली है स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट। वैसे मैं मोस्टली चॉकलेट ही खाती हूँ आइसक्रीम में, लेकिन आज मैंने थोड़ा डिफरेंट कर लिया, इसलिए कर लिया क्योंकि भैया के लिए चॉकलेट ले रही थी। तो मुझे ये तो था कि हाँ मुझे दोनों फ्लेवर का टेस्ट मिल जाएगा, इसलिए मैंने एक चॉकलेट ले ली और एक स्ट्रॉबेरी ले ली, है ना दिमाग। और बस मैं और सोच रही हूँ क्या लूँ, क्योंकि आइसक्रीम के दुकान पे आके मेरी आँखें ऐसे हो जाती है कि क्या लूँ। तो बस हम लोग यहाँ ले रहे हैं और ये है मेरी आइसक्रीम, जो कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है ना। मैं जा रहे थे फालूदा कुल्फी, बाल खाने जा रहे थे फालूदा कुल्फी, पर पूरी एरिया में फालूदा कुल्फी कहीं नहीं लगा है। और अब हम लोग ने स्विच करके ये कोल ली है, ये जाएगा। तो खा लेते हैं। नैन्सी ने लिया, उसे गले में दर्द है और मुझे भी गले में दर्द है और फीवर भी है, लेकिन यार ठंडी में आइसक्रीम नहीं खाया तो क्या खाया। और मेरी तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है ठंडियों में आइसक्रीम खाना, और नैन्सी को भी खिलाते हैं। ना खिलाओ यार। अरे खा लो यार। नहीं नहीं। अरे करो पता, मम्मी इसीलिए हम लोगों के साथ इसको नहीं भेजती है कि मेरा सीधा बच्चा बिगड़ जाएगा। तो चलो आइसक्रीम खा ले, भी घर निकले, टाइम हो गया होगा। टाइम बज गया है, 8 के ऊपर हो गया, 8:15 तक हो गया है। तो चलो खा लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। आ गए हैं और ठंडी लग रही है, पता इसको ज़्यादा लग रही है, हमें भी लग रही है थोड़ी, लग रही है इसको ज़्यादा लग रही है, बल्कि इसने आइसक्रीम नहीं खाई जानबूझ के कि ठंडी लगेगी के बावजूद। अब वो नहीं खा रही, वहाँ पे उसने नहीं खाई थी। सो गाइज अब इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा,
चैनल में पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको किसी न्यू इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, अपने परिवार के साथ रहिए। बाय बाय बाय।